हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा हिंदी पे। सो गाइस, मैं क्या कह रहा था एक्चुअली में क्या है कि यार मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया, पर मेरे को पता नहीं आगे बोलना क्या है, क्योंकि जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ कैमरा लेकर के, हेलो गाइस, तो मैं उठ गया हूँ। मनीष अभी तक सोई है, देखिए सोई है और ये मनीष। मेरी वाली सो रही है, अभी उठेगी तब दिखाऊंगा कि कैसे इसका असली चेहरा दिखता है आपको। आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिमल सेमड़ा सिमल सेमड़ा सिमल तो आज हम बात करने वाले हैं सिमल के बारे में। सिमल एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा प्राणी है, मतलब एक ऐसा बच्चा कह सकते हो कि जो भाई शाहरुख खान से भी ज्यादा स्मार्ट है। अब आप लोग बोलोगे यार ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि इस पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार लड़कियां मरती है। अच्छा और भाई जिस उम्र में आपको स्कूल जाना चाहिए ना, ये सोचता है कि इसको छोड़े या उसको पकड़े। तो मिली हमारे सिमल भैया से, भैया इनकी उम्र है 19 और इन्होंने शादियां कर ली है तीन, और चौथी की फिराक में है और पांचवी ढूंढ भी रखी इन्होंने। यार चुल्लू भर पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? राजा जी, और चलो व्लॉग तो बनाया नहीं, व्लॉग बना के देखते हैं। और अभी भी उठी है, अब देख सकते हम कैसे दिख रहे हैं, पहले बताना। बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। वैसे आपको पता नहीं होगा कि ये लड़की कौन है। भैया ये लड़की है इसकी बीवी थोड़ी सी, और थोड़ी सी इसकी गर्लफ्रेंड, और थोड़ी सी इसकी बचपन की सहेली। काकी मनीषा चांद के ऊपर में रहे। मुंह खोलो मुंह खोलो। आप नहीं मानेंगे, चांद के ऊपर से मतलब धरती का लोग गिनते रहेंगे। हाँ गिनते रहेगी। सो भाई इन दोनों की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मूवी में नहीं देखते हो कि भैया वो लड़की पसंद आई, फिर उनके पीछे पीछे चले गए, बीच सड़क में रोका, मांग भर दी। तो जैसे हाँ बोला ना, तुरंत पॉकेट से हम सिंदूर लगा दिए और उसी टाइम में मंगलसूत्र पहना दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो फिर ये इसके साथ रहने लग गई थी और ये दोनों रहने लग गए थे। ठीक है ठीक है, पर यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आई यार, इसकी शादी दोबारा हो रही है। समझ गया कि भाई ये तो कोई और है। गाइस देखो कितना मस्त वीडियो है गाइस, जिंदगी में पहली बार हम दूल्हा बने हैं और रानी दुल्हन बनी है। तो भैया हमारे सिमल सेमड़ा जी को हो गया प्यार दूसरी लड़की से। मगर क्यों? क्योंकि प्यार तो क्या है, आदमी को चुतिया बनाने का काम हो रहा है। इनको दूसरी बार प्यार हो गया और इस बार ये असली शादी करने के फिराक में है। वैसे आपको बता दे इनकी एज 19 ही थी, मतलब कुछ भी करो पर ये लीगल नहीं है। सालो जितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं उससे ज्यादा शादियां करके बैठा ये। भाई इसकी एक सहेली भी है, मतलब इसकी दोस्त जो इसकी बीवी के साथ साथ में खेलते हैं। सो हेलो गाइस, हमारा रजनी एंड डेंजर पे आप सबको स्वागत है। सो गाइस देख सकते हैं हम बहुत सारा मेकअप। अब आइए अब मिलाते हैं इनकी बेस्ट फ्रेंड से। भैया ये है इसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है। मान लेके बैठे हैं, क्यों बैठे पता है? हम सिमल को मेकअप करेंगे। देख सकते हैं दो क्लिप मिली, इसको बहुत बड़ा बड़ा बाल हो गया, तो आगे का थोड़ा पीछे सब आ गए। तो आप लोग देखो कैसे मेकअप करते गाइस, अब मैं सबको देखते देखते हमारा बेबी छुआ टांगो। तो गाइस देखो ये क्या है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये इंस्पिरेशन है उन लड़कों के लिए जो पढ़ाई नहीं करते हैं और अपना काम में ध्यान नहीं देते। तो भैया आप भी कुछ इसी प्रकार का काम करोगे, अगर आपको ये काम अच्छा लग रहा है तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा बात नहीं है। और भैया ये सुबह उठ के लग जाते हैं अपने काम पे। मतलब सिमल भाई अभी का स्टार नहीं है, सिमल भैया टिकटॉक के जमाने के स्टार है। मतलब जब ये दोनों मिलकर के टिकटॉक की वीडियो बनाते थे। कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा।
अच्छा। और वीडियो बनाते बनाते इनको ना यही प्रॉब्लम। क्या बोला तूने? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? यार सिमल भाई ऐसे आदमी है जो कि कंटेंट के लिए अपनी बीवियां चेंज कर ले। हेलो गाइस, जस्ट अभी हम सोने जा रहे थे मनी। हे गाइस, तो आज रानी ब्लैक साड़ी पहनी है तो हमारे लिए। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? और अपनी माँ को भी काम पे लगा देते हैं। और मेरे साथ डांस करती है और हम दोनों बहुत अच्छे लगते। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के बच्चे। अब्बा नहीं मानेंगे। दिल लगाने से अच्छा है झाड़ू लगा लो, घर भी साफ, मम्मी भी खुश। मतलब पूरा सपोर्ट लेता भाई आंटी जी, आपका बेटा तो स्टार है भाई। अभी अभी उठाऊं मैं, ब्रश करूंगा, फिर नाश्ता करूंगा, फिर 2-4 टिकटॉक मनाऊंगा, टिकटॉक मना के सो जाऊं। भाई यार ये सब तो ठीक है, पर आप नहाते कब हो? अरे देवा ये गड़बड़े बाबा। गाइस तो देखो रानी मेरे को अभी नहला दे रही है, 2 दिन से नहीं बोल के पूरा घिस घिस के नहला दे रही है। छिछ कितना गंदा रहता है, सही सही में फ्रेंड ये नहाता नहीं है इसीलिए इसको नहलाया जा रहा है जिसको शरीर में इतना। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। सो गाइज आई होप आपको हमारे सिमल भैया की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि इस प्रकार की मजेदार वीडियो आप मिस ना कर सके।